भवन शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मसालेदार आलू और बोड़ो की सब्जी और इसे लॉन्ग बीन्स भी बोलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप देख सकते हैं कि कितने यम्मी लग रहे हैं और इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। आलू बोड़ो की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा और 1 तेज पत्ते टुकड़े डालेंगे। जीरा अच्छे से लाल हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, तो मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, उसे बारीक चॉप कर लिया है और प्याज डाल करके हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब साथ ही साथ इसमें हम 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डाल देंगे, उसे भी हम साथ साथ फ्राई कर लें। तो करीब 1 मिनट तक हमने हरी मिर्च को भी फ्राई किया है। अब इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच लहसुन क्रश किया हुआ डालेंगे। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट है तो वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने क्रश किया हुआ लहसुन इसलिए यूज किया है ताकि लहसुन इसमें चिपके नहीं। जब भी हम मसाले में अगर पहले लहसुन डालते हैं तो वे कढ़ाई में चिपकने लगते हैं, इसलिए मैंने लहसुन को क्रश करके डाला है। और लहसुन को हम जब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन है वो दूर नहीं हो जाता। तो ये देख सकते हैं कि जो हमारे लहसुन है वो अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। 250 ग्राम आलू लिया है, उसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है छील करके, और उसे डाल करके अच्छे से भून लेंगे। आप अपने मनपसंद के साइज में आलू को कट कर सकते हैं, तो मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसलिए कट किया है ताकि सब्जी वो जल्दी से कुक हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि आलू भी हमारे कुछ सेकंड तक फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद इसमें हम बीन्स डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े साइज में ही बीन्स को कट किया है। आप अपने मनपसंद के साइज में छोटे या बड़े इसमें कट कर सकते हैं। अब हम बीन्स डाल करके अच्छे से भून लेंगे। तो आलू बीन्स को हम करीब 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि आलू और बीन्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही भुनना है, इसे हमें ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब साथ ही साथ इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। सूखे मसाले जो जनरल होते हैं सब्जियों में पड़ते हैं वही मैंने यूज किया है, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे हम हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लेंगे हम काली मिर्च भुना हुआ, और 1/2 चम्मच हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लेंगे हम आमचूर पाउडर। अब हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ सब्जियों में हमने अच्छे से मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमने स्लो ही रखा और स्लो गैस पर हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, उसे बारीक चॉप कर लिया है। आप इसमें टमाटर की प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते। तो मैंने टमाटर को डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह से टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे भून लेंगे। अब हम इसे धीमी आंच पर कवर करके कुक करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके थे, यहाँ देख सकते हैं कि टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। देख सकते हैं मसाले भी भून चुके हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करें, क्योंकि नमक हमने पहले नहीं डाला है सब्जी में। अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो सारी चीजें हमारी अच्छे से परफेक्ट भून चुकी है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे सूखे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला है क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली चाहिए सब्जी। तो उसके लिए हमने 1 गिलास पानी इसमें डाल करके उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट के। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो मीडियम गैस पर ही इसे अच्छे से हमें कुक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सब्जी है वो अच्छे से हमने इसे कवर कर दिया है और ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रोटी चपाती के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी लगते हैं। 5 मिनट बाद इसे हम चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल कुक हो चुके हैं। मैं एक आलू आपको चेक करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से हम सब्जी को चेक करेंगे। तो ये देखिए परफेक्ट हमारे आलू है वो टूट रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी सब्जी है वो ओवर कुक हो चुके हैं। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। गरम मसाला और हरा धनिया डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर से हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं हमारी सब्जी है वो परफेक्ट बन करके तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए एक हमने बाउल लिया है और उसमें हम थोड़ा सा सब्जी निकाल करके आपको दिखा देते हैं। देखिए कितने यम्मी बने हैं।
तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का घंटी है, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.